अभिसंधान में कहते हैं और आम तरीके आए मन को तो मोला हो मोला मन को तो मोला ऐसे भी गाया जाता है, समझ गया। दिल्ली हरियाणा के भी लोग गाते हैं इसको अच्छे से गाते हैं, तो अपने भी तरकीब है इसमें गाए तो बहुत खुशी हुई सुन के। हिना फिल्म का जो मूल गाना आपने गाया, जो कव्वाली आपने गाई है, उसमें आप मीरा को शामिल करते हैं, नानक को शामिल करते हैं, अपनी तरीके से मॉडिफाई करते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है गिराबाजी का लगाना एक मिसरे को। हिंदुस्तान में आप जैसी गिरा कोई नहीं लगाते सर, ये तो लोगों की मोहब्बत है जो, ये सिर्फ हमारा ख्याल नहीं, ख्याल अल्लाह की मेहरबानी है, ये तो बहुत करम है जो लोग पहचानते हैं। गिरा लगाने के लिए तो उस मुताले की जरूरत है, पहले उसको पढ़ना पड़ता है हर जबान उसके पास। अब जैसे हमने पढ़ा शेर वो दिल, जैसे फारसी का एक शेर मैंने पढ़ा था, उस पर हिंदी की भी गिराएं लगाई, समझिए ना, जैसे लफ्ज देर ना हो जाए, लफ्ज देर ना हो जाए, फिल्म का गाना है, लेकिन रंग दिया हमने से उसमें तस्वीर पैदा कर दिया। एक सामने इतराज किया कि फिल्मी गाने गा रहे थे हम, बाजार पे गा रहे थे हम जबलपुर में, मैंने कहा ये भी तसव्वुफ है भाई, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तो मैंने ये फिर गिराए लगाई उसमें, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ये है ना। तो आँखों के चरागों में उजाले ना रहेंगे, आँखों के चरागों में उजाले ना रहेंगे, आ जाओगे फिर देखने वाले ना रहेंगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ये ना। तो मीरा जो नाथ मेरो कहा बिगड़े को जाएगी लाश तैयारी, भरी सभा कौनों की बैठी बड़े बड़े बलधारी, भीष्म करण और द्रोण शरण सब मिल कम की बिचारी, बिना पक्ष पांडे उस रोले धरनी धर में हारी, रही ना लाश फिरफल पारत की तो भीम कदा गैडारी, तुम तो दीन दयाल कृपा निधि, मैं अति दीन दुखियारी, जैसा जल बिन मीन थरपते सो गति भई है हमारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े को जाएगी लाश तैयारी है। तो ये हमने उनके फिर मीरा भाई ने वो छेड़ मारी के दीन दयाल भये जब से तब से कछु ऐसी मन में बसी है, तेरो कहा कि ते जाऊँ भला प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आश रहे प्रभु मोए जग में नहीं कोई ऐसो की है, आहो मुरार सुनो जी पुकार, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, देर ना हो जाए कहीं देर। इस पे मीरा जी कहती हैं ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा, सब इनकी जूतियों का सदका है, वाली साहब की वालिद भी है और पापा भी और उस्ताद भी है मेरे, तो वो कहते हैं कि एक देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, एक थी मीरा जो भगवान का भजन करती थी, अपने भगवान को गा गा के मगन करती थी, मन से हृदय से वो सच्ची ही लगन करती थी, पास भगवान के जाने का जतन करती थी, देखा भगवान ने मीरा मुझे बुलाती है, मेरे दर्शन के बिना चैन नहीं पाती है, बंद कर आँख वो गा गा के ये सुनाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आमिर साहब की तरफ रुख करते हैं। आमिर साहब, साबरी ब्रदर्स का नाम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है जी, तो इस विरासत को आप आगे लेकर जाएंगे पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर भी, तो कितना दबाव होता है इसका? पहले तो हम लोग आपके टीवी के शुक्रगुजार हैं, और हमने हमारे उस्ताद दादा भी लगते हैं, उस्ताद सईद साबरी साहब, उस्ताद फरीद साबरी साहब, उस्ताद अमीन साबरी साहब से तालीम सीखी है और अभी तक चल रही है, हम लोग सुबह उठ के रियाज भी करते हैं इन तीनों के पास, तो हम कोशिश यही करेंगे जैसे हम लोगों के बड़ों ने काम किया है उनके नक्शे कदम पे हम भी चलें, हम भी हमारे घर को आगे बढ़ा के रखें और इन्हीं के जूतियों के सदक़े से आगे बढ़ जाएंगे, अगर इनका आशीर्वाद रहा और सच्चे मन से काम करते रहे तो मालिक भी नवाजेगा हम लोग। इस वक्त कौन सा नए काम कर रहे हैं? हम लोग वैसे हमारे दादा से कव्वाली के अलावा ठुमरी, दादरा और गज़ल, इन चीज़ों की तालीम भी रहते हैं, कव्वाली के अलावा जो आजकल दूसरी रुहानें गज़ल वगैरह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और देखते हैं हम कव्वाली को जो आजकल
फिल्मों या अंदाज़ वगैरह में जो दूसरी तरफ देखा जा रहा है, हम वही पुराना अंदाज़ रखना चाहते हैं और जैसा वक्त के हिसाब से उसको भी देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे पुरानी चीज़ों पे हम लोग जो हमारे दादा ने बताई हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा अभ्यास करते हैं। संजय भाई एक अर्ज करूँ, ये बड़ा वहम था लोगों को इंडस्ट्री में कव्वाली गला फाड़ के गाई जाती, लेकिन देवानंद साहब ने मेरे बड़े भाई से ये कहा कि यार मैंने ऐसी वाइस कव्वालों की तो देखी नहीं। देवानंद साहब के जन्मदिन पर आपने गाया था गाना, उनकी फिल्म का गाना था, उनकी फिल्म का गाना था, तो वो उन्होंने जो है मतलब कहा कि यार ऐसी वाइस तो सुनी नहीं। फिर मेरे पास एक 29वें रोजे पे फोन आया उनका, श्रवण भाई का, श्रवण भाई से बात करी, श्रवण भाई बोले भाई मैं श्रवण बोल रहा हूँ, तो मैं एकदम पहचाना नहीं। रूप भाई से मेरी मुलाकात थी, रूप भाई बड़ी इज्जत करते हैं हमारी, तो उन्होंने कहा कि यार ये सुभाष जी बात करेंगे आपसे, अदीब शर्मा सुभाष जी ने बात करी कि साहब आपकी रिकॉर्डिंग है कल परसों, आप तशरीफ लाओ परसों, परदेश में आपने परदेश में परदेश की गाना है, नहीं होना था लेकिन हो गया यार। तो उस जमाने में जो है उन्होंने बेचारों ने फोन किया और वो डोरी वाले फोन चलते थे, ताकि मैंने साहब शुक्रिया, मुझे एकदम तो यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े लोग जो है एकदम कैसे फ़ोन करते। मैंने रूप भाई को फ़ोन किया, रूप भाई अभी गवाह है इस बात, मैंने कहा रूप भाई ऐसी ऐसी बात है, श्रवण भाई का फ़ोन आया था, तो क्या वाकई में रिकॉर्डिंग है या कोई मजाक कर रहा है हमसे, हमें बिलीव नहीं हुआ लग रहा था अभी। तो उन्होंने फ़ोन किया, दो चार मिनट बाद ही उनका फ़ोन आया, बोले आप जो है रिकॉर्डिंग है अमीन भाई आपकी, फरीद भाई आपकी रिकॉर्डिंग है पापा जी की, आप तशरीफ लाओ। पापा जी बोले यार तुम चले जाओ, मैं जो है मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा गुरु तुम्हारी वजह से तो रिकॉर्डिंग मिल रही है, इतना बड़ा चांद छोड़ लो। तो हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ चांदपोल के अंदर ही जयपुर में ही, पापा जी बोले मैं महफिल गा लूँगा तुम चले जाओ। तो हम सुबह 3:30 बजे एक फ्लाइट चलती थी बहुत छोटी, उसमें चले गए हम। तो फिर आराम किया, शर्मा भाई के घर पर ही ठहरे हम। शर्मा भाई ने कहा यार पापा जी कहाँ हैं, इनकी वो तो नहीं आया, कि नहीं यार उनको बुलाना ज़रूरी, पापा जी को बुलाना ज़रूरी। शर्मा भाई ने उससे पहले पापा जी को देखा भी नहीं था, लेकिन पापा जी के प्रोग्राम गाने कव्वाली है बहुत सुनी उन्होंने। खैर हमने फ़ोन किया पापा जी को, अरे पापा जी आना ज़रूरी है वो कह रहे हैं सब। तो ये शाम की फ्लाइट से बॉम्बे आ गए। इस तरह जो है परदेश का गाना हम लोगों ने किया, और ये सुभाष जी की मेहरबानी है कि मेरे से और फरीद भाई से इतना प्यार करते हैं, पापा जी को तो आज भी पापा जी कहते हैं, हालांकि छोटे हैं वो पापा जी से काफ़ी, आज 85-86 साल की उम्र हो गई इनकी, आज भी गाना